नमस्कार, आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की खेती के बारे में। तो ये नेट हाउस के अंदर इस बार फिर से शिमला मिर्च लगा है। आप नीचे एक बार पौधा को देख लें, ये शिमला मिर्च का पौधा है। वो जो आप तार देख रहे हैं वो इसके स्टेक के लिए दिया गया है, ऐसे करके उसको टन के दिया जाएगा। उसका एक्चुअली बांस उखड़ गया था, इसीलिए वैसे वो गिरा हुआ है। तो इस शिमला मिर्च में प्रॉब्लम क्या आता है कि इसका मुंह चौक हो जाता है, उसमें लीफ कर्ल वायरस लग जाता है, जिसको हिंदी में भंगरी लगना बोल सकते हैं आप, बोलते भी हैं सब किसान लोग, भंगरी लग गया, उस पर बात करेंगे। तो अगर लीफ चौक हो गया है, मुंह बंद हो रहा है, तो वो माइट्स की वजह से होता है, माइट लग जाता है उसके वजह से ऐसा होता है। आपको पिक्चर में भी दिख पा रहा होगा, ये है लीफ कर्ल। तो इसके लिए हम बायर का ओवेरॉन यूज़ करेंगे, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से बायर का ओवेरॉन मिक्स करेंगे और फिर हम स्प्रे करेंगे, तो जितना भी इस तरह का बीमारी है वो सब ठीक हो जाएगा, मुंह खुल जाएगा। अब देखिए, ये एक स्वस्थ पौधा है, कितना अच्छा है इसका, देखिए अब मुंह खुला हुआ है। ये भी एक बात और ध्यान देना है, इसका पौधा बहुत नाजुक होता है, तो ज़्यादा हिलाएं उलाएं नहीं अगर आप पहली बार लगाए हैं तो। और अगर काटने की समस्या आ रही है, इल्ली की समस्या आ रही है, तो इल्ली से बचाने के लिए हम इमामेक्टिन का यूज़ करेंगे, इमामेक्टिन बेंजोएट। आपको जिस कंपनी का अच्छा लगे उस कंपनी का आप ले लें, धनुका का ले लें, सब कंपनी का आता है। तो इमामेक्टिन का डोज है 1 g/L, दोनों अगर मिक्स करके देते हैं तो इल्ली से भी छुटकारा मिल जाएगा। इल्ली आपको पिक्चर में दिख पा रहा होगा, यह है इल्ली, और ये जब काटने लगता है तो बहुत तेज़ी से पौधा के जड़ से ही काट, यहाँ से ही काट के उड़ा देगा, यहाँ से ही काट देता है। तो इन दोनों के मिक्स करके हम दे देंगे तो दोनों बीमारी से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल खेती घर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।